पैसा, शोहरत, इन चीज़ों को कमाने में काफ़ी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद, ये कुछ खास चीज़ें हैं जो लोग अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे खुशनसीब लोग भी होते हैं कि जब इन्हें पैसा, नाम, शोहरत, सब चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं तो फिर इसे लोग संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मिल पानी जितनी मुश्किल है उससे कई गुना ज़्यादा ये मुश्किल है इन्हें संभाल पाना। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इन चीज़ों को संभाल नहीं पाते और जिस खुशी के साथ, जी हाँ, जिस तेज़ी के साथ उन्हें नाम, शोहरत, पैसा मिलता है, उतनी ही तेज़ी से वो इन चीज़ों को गंवा बैठते हैं। मेरा इशारा किस ओर है ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया के स्टार बन चुकी, रातों रात सुपरस्टार बन चुकी रानू मंडल की। नमस्कार दोस्तों, प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं फिल्मी अड्डा पर। आज एक बार फिर से जिक्र करने वाले हैं रानू मंडल की। जी हाँ, ये वही रानू मंडल है जिन्हें कुछ महीने पहले सोशल मीडिया के स्टार बना दिया गया था, सोशल मीडिया क्वीन कह दी गई थी, और इनके गाने, जी हाँ, पश्चिम बंगाल के रानाघाट पर इनका एक छोटा सा गाना, लता मंगेशकर जी का जो गाना है प्यार का नगमा है, उसके एक छोटे से वीडियो क्लिप ने इन्हें बॉलीवुड के सफ़र को, जी हाँ, तय करते हुए उन्हें बॉलीवुड तक पहुंचा दिया था। यानी कि बहुत जल्द इन्होंने बॉलीवुड में अपना एक खास स्थान, अपनी एक खास जगह भी बनाई। लेकिन ये शायद बातें, ये शायद शोहरत, ये शायद इज्जत, ये शायद पैसे रानू मंडल को रास नहीं आ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, जी हाँ, बल्कि ये खुद जो सोशल मीडिया स्टार बनने में जिन फैंस ने रानू मंडल का साथ दिया था, ये उनका रिव्यू है, ये उनकी जुबानी है जो कि अब सोशल मीडिया पर लगातार उनका गुस्सा बन के उभर रहा है। दरअसल में खबर कुछ ऐसी है, जहाँ कुछ समय पहले रानू का गाना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड के स्टार सिंगर, कंपोजर कह लीजिए, हिमेश रेशमिया के साथ उन्होंने फिल्म हैप्पी हैट्री एंड हीर के गाने, तेरी मेरी कहानी का उनका गाना रिलीज़ हुआ। इसके बाद रानू मंडल किसी पहचान की मोहताज नहीं रही, हर कोई उन्हें जानने लगा, हर कोई उनके गाने को पहचानने लगा, हर कोई उनकी आवाज़ को सराहने लगा। यानी कि उन्हें, पहली बात तो उनके गाने के ज़रिए, उनकी आवाज़ के ज़रिए उन्हें शोहरत मिली, नाम मिली, इज्जत मिला, और उसके बाद जब हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया तो उन्हें पैसे भी मिले। यानी कि रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर भीख मांगने वाली एक महिला किस तरीके से बॉलीवुड की स्टार बन गई, ये हर कोई जानने लगा। लेकिन ये स्टार बनना शायद रानू मंडल को रास नहीं आया, या फिर उन्हें ये समझ में नहीं आया कि जिनकी वजह से वो स्टार बनी हैं उनके साथ उन्हें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। जी हाँ, रानू मंडल का हाल ही में एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, जो कि एक शॉप का है, एक छोटी सी दुकान का है, जहाँ पे रानू मंडल अपने एक फैंस पर भड़कती हुई नजर आई हैं। भड़क क्यों रही हैं? क्योंकि उस फैन ने उनसे एक तस्वीर के लिए कहा। चलिए वो छोटा सा वीडियो क्लिप पहले आपको। तो देखा आप सभी लोगों ने, अब रानू मंडल ने जिस तरीके से वीडियो क्लिप में इशारे किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है, उनसे तो भाई फैंस को यही लग रहा है कि रानू मंडल एक तस्वीर के लिए, जी हाँ, एक तस्वीर के लिए अपने फैंस के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। एक तस्वीर ही तो मांग रही थी उनकी फैंस, और क्या मांग रही थी, जी हाँ। लेकिन इसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो वाकई में उनके गाने के ज़रिए जिस तरीके से उनकी तारीफ हुई थी, अब ठीक उसके अपोजिट उनकी आलोचनाएँ शुरू हो गई हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर उनके मीम्स बनाकर किस तरीके से उनके इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, देखिए रिपोर्ट में। सपना मदान, डोंट टच मी सोनिया, इस गाने को देखकर आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि इस वक्त इसमें अभिषेक बच्चन की जगह रानू मंडल को टैग किया गया है। शिवम मिश्रा, मीनवाइल सलमान खान भी लाइक, तू बहुत चेंज हो गई है रे रानू। इस पिक्चर को देखकर तो आपको याद हो गया होगा कि संजय दत्त बाबा की ये पिक्चर है, जिसमें वो एक एक्ट्रेस से ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि तू बहुत ही चेंज हो गया है रे रानू। और यहाँ पर रानू मंडल को लेकर इसका मीम वायरल हो रहा है। अर्चित बोर्डे, रानू मंडल टू हर फैन, बेटा एक जमाना था जब हम भी करीब हुआ करते थे,
सहबाज, ट्रस्ट देम एट योर ओन रिस्क, यानी कि जैसा कि इस पिक्चर्स में आपको दिखाया जा रहा है कि इन चार चीज़ों को टच करने से आप रिस्क ले सकते हैं। जी हाँ, वहीं पर इस पिक्चर में एक फायर, एक करंट और एक्ट्रेस प्रीति यानी कि कबीर सिंह की प्रीति और वहीं पर रानू मंडल के इस पिक्चर में दिखाया गया है। मिडिल क्लास बॉय, क्लोज इनफ टच मी नॉट, रानू मंडल। इसमें ये दिखाया गया है कि अगर इस लीफ को आप ज़्यादा नज़दीकी से टच करेंगे तो आपको ज़्यादा खतरा हो सकता है। आशुरा, एवरी रानू फैन राइट नाउ, इस वक्त सभी रानू के फैन हो गए हैं। जहाँ इस पिक्चर में आपको कुछ इस लाइनों में लिखे हुए सब नज़र आ रहे हैं, टच करना चाहते हैं तुझे। वहीं पर नेक्स्ट हैं, आपको परमिशन लेना चाहिए था ना। राहुल धनगर, इफ समवन टच रानू मंडल राइट नाउ सी बी लाइक हाउ डेयर यू। अमर राणा, माय बेस्ट फ्रेंड आफ्टर गेटिंग 3 मिलियन व्यू ऑन हिज वन टिकटॉक वीडियो। जहाँ पर इस पिक्चर में ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं, डोंट टच मी आई एम सेलिब्रिटी नाउ। जहाँ पर रानू मंडल का इस वक्त ये पोस्ट वायरल किया जा रहा है कि अब उन्हें कोई टच ना करे क्योंकि अब वो एक सेलिब्रिटी बन गई हैं। जैसा कि इस गाने में आपको पता होगा कि ऊ लाला तू है मेरी फैंटसी, जहाँ पर इस वक्त इस गाने में रानू मंडल के साथ उन्हें टैग किया जा रहा है और वो ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि छूना ना अब मैं फेमस हो गई। नेक्स्ट है गदर मूवी से सनी देओल, यानी कि मैडम जी मैं आपको वापस स्टेशन छोड़ा हूँ। और वहीं पर अगला है कैटरीना की ड्रेस मूवी का गाना जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जहाँ पर रानू मंडल को इस गेटअप में तैयार किया गया है और वो इस लुक में नजर आ रही है। तो देखा आप सभी लोगों ने, इसीलिए कहते हैं कि भाई जब आपको जो लोग इज्जत, शोहरत, नाम, पैसा देते हैं उनकी भी आप इज्जत क्या करें। क्योंकि रानू मंडल शायद ये भूल गई थी कि सोशल मीडिया पर जिनकी वजह से, जिन लोगों की वजह से वो स्टार बनी हैं, जिनकी वजह से उनके गाने फेमस हुए हैं, स्टार्स तक पहुंच पाए हैं, वो कोई और नहीं बल्कि जनता ही थी, जनता जनार्दन ही थी, जिनके गाने, जिन्होंने उनके गाने को पसंद किया, उनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया, शेयर किया, तब जाकर उन्होंने बॉलीवुड के सफ़र को तय किया। खैर, आगे क्या इस पर रानू मंडल की प्रतिक्रिया आती है नहीं आती, इस पर बॉलीवुड के किसी स्टार की प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, यानी कि हमारे फिल्मी अड्डा के साथ जुड़े रहिएगा। बाकी बॉलीवुड के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। और हाँ, आप रानू मंडल को लेकर क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहे फिल्मी अड्डा।